वही क्या हो रहे है? करना है। नहीं नहीं मुझे नहीं आता भाई। ओ भाई मुझे, ओ भाई पागल हो गया क्या भाई? ये एक बच्चा तीन लड़कों पे भारी हुआ। मैं पहनूंगा, मैं आपके लिए बांधे को कुछ भी नहीं मंगवाऊंगा। अरे तो ये खुद ही बड़ी आ रही है, मैं क्या करूं? ये मैं गिफ्ट कर दूंगी। ये 2:30 बज रहे हैं और वैसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, इसको मस्ती आई हुई, नीचे जा जाके सो रहा है कि मैं नीचे सो। इस तरह उसको ऊपर चढ़ाए मार इसको जरा। तो मैंने दे दिया कि मैंने फिर भी दे दिया। ये हम से अलग हो गया, नीचे सोया करेगा। देखो कितना खुश है। पापा सो गए, पापा ने नींद नहीं कर ली, आप भी कर लो। देखो पापा सो गए, देखो ऊपर चढ़ के देखो पापा सो गए। गाइस बासिल जो है ना रो रो कर बाहर निकल ही गया है। इसने डमाडस को देख लिया था उठा हुआ, तो बस अभी आ गया बाहर। घर में सबको उठा दिया इसने। तुम लोग भी नहीं सो रहे हो? बाहर निकलो, उसको लेके फरिया का स्कूल जाओ। आ जाओ बाहर आ जाओ। फरिया सो रही है, उसको कल स्कूल है। और बासिल ने कम में लाइट खुलवा दी। लाइट मैंने खोली है, ये तो अंधेरे में जा रहा था सीधा। ये छोड़ दो, जो नीचे खेलना है, गोद में तो आना ही नहीं है इसको। तो भाई ये बेड पे नहीं बैठ रहा, बस नीचे उतर के खेलना है इसने। अभी हम खिलाएंगे इसको इस टाइम। ये एक बच्चा तीन लड़कों पे भारी हुआ। पापा को उठा दिया उसने। बेटा भैया खिलाओ, पापा बोल रहे हैं इसको, ये चेक करो। पता नहीं हम कब सोएंगे भाई, क्योंकि व्लॉग तो इतना कंटिन्यू नहीं कर सकते, सब सो रहे हैं घर में, तो एनर्जी से नहीं बोल सकते ना। सुबह कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कब। लो भाई गिर भी गया। 5 hours later। चलो भाई उठ जाओ भाई, मॉर्निंग ले आओ भाई। थैंक यू सो मच भाई। इजी 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 इजी, चलो उठ जाओ, इससे उठे नहीं जा रहा, नींद आ रही है इसको दोबारा। गाइस ये एक बार सो के उठ के दोबारा सोने लगा है, और मेरी जो है वो मॉर्निंग अब हुई है। तो भाई मैं सोया था सुबह कल 5 बजे, ये सोए जनाब 4 बजे, तो मैं 1 घंटे बाद सोया, मुझे काम। 5 बजे सोया तो मैं अभी उठा हूँ गाइस 2 बजे। तो नाश्ता आ चुका है भाई, तो नाश्ता करते हैं फटाफट से। खालो खालो खालो, आ गुड बॉय। भाई नाश्ता जो मैं यहाँ ले आया, बासी ने जो ना बहुत गंद कर दी थी बेड के ऊपर, सारे तेल के निशान लगा दिए, इसको दबा दबा के ना, तो मैंने बोला इधर ही आगे करो। अब जनाब जो है वो लगा रहे हैं झाड़ू। अब इसी तरह झाड़ू लगाएगा, सारे काम करेगा, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। में सुन हो गया इसका दिमाग बिल्कुल। कुछ मंगवाया? हाँ वाओ अनबॉक्सिंग। अब तो कुछ बड़ी स्टीन वाली ने कुछ मंगा ली ना। ओबे बड़ी मंगा ली है भाई। ओबे भाई ये किसका साइज? दादा का साइज मंगवा लिया है क्या? आइंदे के बाद आप मुझे ये नहीं बोलिएगा कि मैं मुझ पे मीडियम साइज आता है, मैं अभी जला दूंगी। क्यों? क्योंकि आप ही बोलते हैं स्मॉल मंगाओ, तो स्मॉल नहीं पहनूंगा मैं आपके लिए, आइंदे को कुछ भी नहीं मंगवाऊंगा। अरे तो ये खुद ही बड़ी आ रही है, मैं क्या करूं? ये मैं गिफ्ट कर दूंगी। है तो अच्छा, है तो अच्छा, लेकिन पेन को तो लगेगा कि बड़ा छोटा है। सब ने मेरी नई नई चीजें मंगाई है अभी, लेकिन अब ये दोनों चीजें मीडियम मंगा ली। अब ये ब्रांड मुझे लग रहा है बड़ा है, जैसे कि मुझे कहीं का मीडियम आ रहा है तो कहीं का मुझे स्मॉल आ रहा है। अब कैसे पता लगेगा कि यार ये भी नहीं मंगवाना चाहिए, ऑनलाइन ही मंगवाओ ना भाई। पेन के देख लेता हूँ, सुबह जो हो गई नाराज भाई कि मैंने गिफ्ट मंगाया है। सही है यार, वो देखने में बड़ा लग रहा था भाई, ऐसा लग रहा है मेरी रसाई उड़ रही है, रसाई लग रही है। ये अगर स्मॉल साइज आएगा ना तो बहुत छोटा लगेगा। नहीं स्मॉल भी सही होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसका फैब्रिक ही ऐसा है कि वो उस तरह लग रहा है, मतलब खुला खुला सा खिला ढाला। क्या करो छुपके यहाँ पर, ये सारा कलर देखो इसने उतारा है, यहाँ छुप जाता है और ये सारा कलर उधर से उतार रहा है। तुमने क्या कर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह अब भागेगा, कैमरा खुल गया ना, भागेगा यहाँ से। कभी कहाँ घुस रहा है, कभी कहाँ घुस रहा है, कभी क्या निकाल रहा है, कभी क्या। अब इससे गलती से खुल गया, ये गलती से खुला है, ये वहां बैठ रहा था, इससे गलती से खुला है। हटो, उठो 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 यहाँ से, जान नमाज है ये। अल्लाह अल्लाह करनी है, अच्छा कर लो अल्लाह 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 कर लो। ये क्या खो रहा है, सब निकाल के फेंक रहे अंदर से कुछ। चलो वहां जाओ, चलो। ये जो पिलाते हैं ना हमें रखना पड़ता है वापसी, अब नहीं पिलाना कुछ भी। जाओ दादी बुला रही, दादी बुला रही, जाओ चली जाओ। तो जा रहा जा रहा जा रहा। भाई सुबह को मैं थोड़ा सा नाराज क्या कर दिया, सुबह तो शॉपिंग करने चले गई थी। मेरे कार्ड फनिश हो गया है, फनिश। ये देखिए मैं आपके लिए अपनी तरफ से लाई हूँ। थैंक यू। कैसी है ये? अच्छी है, अच्छी है। नहीं एक्सपेंसिव चीज है, अल्लाह माफ करे, बंदा तो ये उसकी जगह पे आया है। जोड़ी थी हाँ, उसको वापसी करा के आपने ये ले लिया? हाँ। प्राइस पड़े इसके? वो इतने महंगे में कपड़े को लेकर आ रही हो? मैंने आपको बोला था कि इतने महंगे कपड़े लाने, मुझे मुझे पहनने। फिटर आ गए और मेरी बेटी की शॉपिंग लाजमी। जरूरी था ये सब लाना क्या? मुझे अच्छा लगता है आप लोग ड्रेसअप रहो, अच्छे कपड़े पहनो दोनों,
और प्यारे लगो बस। ये मैंने इसके समर के लिए ले लिया अभी से ही। सही है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई हो चुके हैं रेडी और यहाँ पर बैठ चुके हैं खाने पे। दादी भी आ चुकी है हमारे साथ। इसको भी ले साथ में, ताकि इसकी भतीजी देखेगी गई थी। खाला है, हमारी खाना है। आपकी खाला है? मेरी खाला है। और फिर हमें जाना है, बताता हूँ कहाँ जाना। सुबह बासुल को भी शर्ट बनाई हमने, इसकी तबीयत खराब है, इसने ना वॉमिट कर दी है। आ जाओ पापा का। अच्छा अच्छा कपड़े पहने, दूसरे कपड़े पहने। रुक जाओ पापा का प्यार। अच्छा ना, हो जाएगी तभी ठीक, हो जाएगी तभी ठीक। बस कुछ नहीं हुआ मेरा बेटा, इधर जाता है। खुल जा सिम। तो भाई अभी हम जो है वो जा रहे हैं अपने ही दोस्त के घर, क्योंकि दोस्त की जो है ना वो शादी बिल्कुल करीब है। मेरा दोस्त है, तुम लोगों को पता होगा यार, शहीर खान, ये आ रही उसकी पिक्चर। यार उसके साथ जो है ना हमने बहुत टाइम स्पेंड किया अपना। किस टाइम से? जब मैं टिकटॉक वगैरह बनाता था, जब मैं इंस्टाग्राम पे था और जब मैं रात करियर स्टार्ट हुआ था, तो वो तब का मेरा दोस्त है। बस बासिल आपने जो ना वहाँ तंग नहीं करना है प्लीज, ठीक है मेरा मुन्ना? मुझे पता है आपकी तबीयत खराब, जल्दी आ जाएंगे पापा। तो भाई पहुंच चुके हैं हफ्सा और शहीर के घर पर और प्रेजेंट करते हैं नए नवेले दुल्हन को। हाँ, नए नवेले दूल्हा दुल्हन। ओके, कैसे हो भाई? ठीक हो? आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? थोड़ा सा हुआ था, लोकेशन थोड़ी सी आउट हो गई थी। मिल गई थी ना? हाँ मिल गई थी। अच्छा गैस को ले आए। इसके वजह से इरादा नहीं लाने का, बीमार था ये। फिर सवा ने बोला नहीं लेके चलते हैं यार। आए भाई, कैसे इरादा बना लिया शादी का? शादी क्या सोच के प्लान किया है कि यार कि शादी करनी है? ये सब बंदा खुद ही नहीं सोचता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आती है। एज क्या है तुम्हारी? 21, जो आपकी थी आपकी शादी के वक्त। सेम एज में शादी कर रहे हो भाई? मैंने भी इसी एज में की थी यार। मतलब बताओ, जल्दी शादी करना अच्छी बात है या लेट शादी करना अच्छी बात है? मतलब अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई पहले करियर बनाओ उसके बाद शादी करो, या करियर से पहले या करियर के बीच में क्या करना चाहिए बताओ। मैं तो बोलता हूँ ना करियर के बाद ना करियर से पहले, करियर के बीच में जो चीजें साथ साथ चलती है ना, तो वो ज्यादा अच्छा आपके लिए। मतलब अगर जैसे आपकी वाइफ है वो भी 21 की है, मतलब मेरी और सेम ही एज है हम दोनों की ना, तो ये कि वक्त के साथ साथ बड़े होंगे, तो ये कि आगे जाके हम दोनों एक दूसरे के माइंड स्टेट के मुताबिक सेट हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये फजूल है कि करियर बनाओ, पता चले आप करियर बनाते रहे, आपने करियर बनाया और यहाँ आपका अल्लाह ताला ने नंबर लगा दिया। ये मतलब आपको मतलब मौत का कुछ नहीं पता भाई। देखो मौत तो भरा के ठीक है, बट अगर हम उसको ना ही सोचे और हम ये सोचे कि हाँ चलो मान लो करियर बन गया हमारा, लेकिन जो आपका फिजिकल करियर है ना वो खत्म हो जाता है, वो डाउनफॉल पे आ जाता है। सब सही तो, तो सारे करियर को देख के शादी करनी चाहिए। बिल्कुल वो बात तो सही, लेकिन अल्लाह की जात बहुत बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो जाता है। गुड है भाई। कब है शादी? डेट बता दी तुमने? बस नहीं, डेट नहीं बताई। डेट नहीं बताई, जल्द है बस। मतलब ये ही कुछ 10-15 दिनों के अंदर? बिल्कुल, बस डिसाइड कर लिया बस, फिर 10-15 दिनों के अंदर है गाइस। मतलब धुंधला के आने वाले हैं भाई। इसको मजा आ रहा है भाई, इसको पता लग गया शादी स्टार्ट, उसको पता लग गया कि शादी स्टार्ट होने वाली है। शादी में बड़ा कुछ होता है भाई। ये हाँ भाई, टॉय आ गए भाई। वाओ वाओ, ढोल भी इसके साइज का रखा हुआ है। अगर मामी तंग करे तो लाजमी बताना बेटा। तो पाला नहीं है। तुम लोग जब भी पन्नी हटानी हो ना सोफे की, तो ये बासिल को बुला लेना, ठीक है? वो सारी हटा देगा। और कलर वाले भी हटाना तो बता देना, घर का कलर बासिल ने आधा ज्यादा हटा दिया है। हाँ हाँ, सो भाई आ चुके हैं भाई सारे। ओके जी, तो भाई डायरेक्ट जो है ना वो अभी गाने वाने लगने लगे हैं भाई। डांस फैंस होगा भाई, बासिल आप भी कर लेना डांस, ठीक है? लेकिन बीच में नहीं आना, लग लगा जाए आपके यहाँ। तो थोड़ा सा डांस वांस देखते हैं, ऐसे गाने में तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो कम डांस दिखाएंगे, लेकिन करते हैं। और ढोल छोल भी है, ढोल किधर गया? ढोल भाई, ढोल पड़ा था यहाँ पर, तो अभी किधर गया ढोल भाई? ढोल अभी बजा रहा था मैं, म्यूजिक बंद करके ना ये बजाएंगे। भाई गाने लगाए थे लेकिन बासिल को ये सुनना। तो भाई बैठ चुके हैं खाने पे, तो ऑलरेडी मैं खाना खा लिया था, लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया। आ जाओ भाई। भाई गाइस हम भी निकालते हैं धागा कबाब, टाइम बाद धागा कबाब खा रहा हूँ। धागा भी निवाले में ना आ जाए मेरे। ओए होए 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 होए, शाफ सा मुबारकन, गुलाब जामुन, ओए होए होए, खाने के बाद कुछ मीठा हो गया। तुम भी खाओ इंशाल्लाह। गर्म खाई मैं, ये लो ये लो, आ करो बे, उंगली खा लेते मेरी तुम अभी। ओ भाई साहब, ये क्या डांस हो रहा है भाई? बासिल भी देख रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ओ बासिल के लिए तो मेला ही है, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं मुझे नहीं आता भाई,
ओ भाई मुझे ओ भाई पागल हो गया क्या भाई? नहीं नहीं मुझे नहीं आता है। ओ भाई मुझे डांस नहीं आता गाइस, मुझे डांस करने को बोल रहे हैं भाई, डांस आता ही नहीं है यार। गाइस ये दुपट्टे वाला जो ना हमने सीन कैंसिल कर दिया। हां भाई कैंसिल कर दिया भाई, दुपट्टे में डांस वांस कर रहे थे यार, शॉल मॉल में करो। हां सब डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मास बासी को सिखा रहे हैं। मास को छोड़ ही नहीं रहा इनका, अपना अलग ही चल रहे हैं। बाय 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 बाय, थैंक यू बाय। तो गाइस निकल चुके हैं भाई घर से और काफी मजा आया भाई, डांस वांस भी किया है और बासिल ने काफी तंग कर दिया। बस जब हम कहीं से निकल जाए ना जल्दी और कोई ना निकला हो, अभी सब ऊपर ही है, हम लोग जा रहे हैं, तो समझ जाओ फिर बासिल ने जो हमें तंग कर दिया है। तो ये सब चलते हैं डायरेक्ट घर, काफी रात भी हो चुकी है, 12 या 12:30 हो रहे ऑलमोस्ट। तो गाड़ी 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 गाड़ी, ओए लेट्स गो भाई जल्दी। पहुंच गए जी घर, दोनों सो नहीं एक सो गया गाइस। तो भाई पहुंच गए घर और घर में तो भाई अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बोला सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, तुम तो यहाँ उठे हुए हो। आप पियोगे? नहीं नहीं आप पियो पियो पियो, मजे करो भाई। भाई हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे। रात को एंजॉय कर रहे हो जी, रात को सोने का टाइम होता है। अबे भाई एक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर। मम्मा पापा, ओए मम्मा पापा उठे हुए? आ गया बासिल, सो रहा है। इस व्लॉग को इधर से एंड करते, उम्मीद है आपको पसंद आएगा व्लॉग को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट कर दो। सो भाई सोएंगे यार, अब शुक्र है भाई बासिल जो है ना अभी सो गया है, आज हम जो है ना वो सुकून से सो सकते हैं, वरना अगर उठा हुआ होता तो फिर हम थोड़ा लेट सोते। बाय बाय, लाफ टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो और मेरे दोस्त को काफी ज्यादा विशेष करना भाई कमेंट के अंदर। ये जनरेशन जो है, जो मेरी वाली जनरेशन है, माशाल्लाह से जल्दी शादी कर रही है, जल्दी शादी करना एक मेरे लिहाज से बहुत अच्छी बात है, लेट से बेहतर है कि जल्दी। उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, आप अपनी लाइफ के साथ जो है ना वो सिंसियर हो जाते हो, आपकी जो बैचलर लाइफ होती है उसमें फिर आप जो है ना बहुत आवारा गर्दियां करते हो। करता था मैं, मेरे दोस्त भी करते थे, तो आवारी गर्दियों से बेहतर है जल्दी कर दो, बच्चा घर का हो जाएगा, पॉइंट की बात है। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सब्सक्राइब मास्टर।